प्रकार से प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जीवन में किस प्रकार से आप चैलेंजेस का सामना कर पाते हो, इसी से हमारे इंटेलिजेंस का महत्व बढ़ता है, अपनी वैल्यू बढ़ती है। एक प्रॉब्लम का बेहतर सॉल्यूशन आप दे पाओगे, एक प्रॉब्लम को एक क्वालिटी सॉल्यूशन आप दे पाओगे, तो हमेशा अपने स्तर को बदलता हुआ पाओगे। दूसरा, समाज के प्रॉब्लम को आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे तो जनरेशन के आप अमीर आदमी भी बन सकते हो। जो भी धरती के अमीर बने हैं इस डिकेड्स में, उन्होंने लोगों के प्रॉब्लम्स पे ही काम किया है। आप किसी प्रोजेक्ट में होगे, आप किसी वस्तु में डील कर रहे होगे, प्रोडक्ट में डील कर रहे होगे, लेकिन आपका उस वक्त के सिचुएशन को हैंडल करने के क्वालिटी पे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्तर निर्भर करता है। किस प्रकार से हम किस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं, इसी को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहली चीज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ या आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आता है तो आप किस प्रकार से उसको रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आपके रिएक्शंस पे ही बाकी के सिचुएशन हैंडल करने की चीजें निर्भर करती है। कुछ एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि जो भी जब भी लोगों के लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आए तो वो कभी भी गलत तरीके से उन्होंने रिएक्ट नहीं किया है। जब कलकत्ता में टाटा का नैनो का प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया और गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया, तब उनके जो लॉसेस हुए थे, इतने बड़े लॉसेस के बावजूद भी आदरणीय रतन टाटा जी ने केवल थैंक यू या उसके आगे कुछ भी नहीं कहा, कोई रिएक्शंस नहीं दी। लेकिन उसी जगह कुछ ऐसे लोग अपने लॉसेस को समझते, अपने आप को क्रिटिसाइज होता हुआ देखते हैं, जब न्यूज़पेपर में उनके खिलाफ कुछ आ जाता है, समाज में कोई उनको हेटर्स मिल जाते हैं, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से, वो लोग किसी अन्य व्हाट्सएप जैसे माध्यम से रिएक्ट होना पसंद करते हैं और अपने बिहेवियर में बदलाव कर देते हैं। और जब आपका बिहेवियर बदल जाता है तो कभी भी आप बेहतर तरीके से परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाते। यानी सबसे पहले अपने रिएक्शन को चेक कीजिए, और आपको उस रिएक्शन से खुद को खुश नहीं हो या रिजल्ट से आप खुश नहीं हो तो अपने रिएक्शन में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए जब भी प्रॉब्लम्स और क्राइसिस आएंगे। सेकंड पार्ट, जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप उस प्रॉब्लम के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाते हो क्या? यानी प्रॉब्लम तो है, और जब प्रॉब्लम आए, सिचुएशन आई, तभी लोगों ने उसके अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। ये वर्ल्ड वॉर सेकंड होगा, 2008 का रिसेशन होगा, उसके बाद कई स्टार्टअप शुरू हुए और दुनिया में जो असंभव था, जो इम्पॉसिबल था, वो उन लोगों ने संभव बनाया। उसके लिए कई बिजनेस, कई स्टार्टअप आपके सामने उदाहरण के तौर पर है। जब पोलियो समाज में आया तब लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज या प्रॉब्लम था, लेकिन डॉक्टर साल जो थे अपने फेलो वर्कर के साथ, इन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और वो जनरेशन में सबसे फेमस, पॉपुलर और दुनिया को सॉल्यूशन देने वाले मसीहा बने। उसी प्रकार से कैंसर, उसी प्रकार से ट्यूबरक्लोसिस जैसे अनेक डिसीजेस हो गए, या फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, यदि सिचुएशन में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढना सीख लेते हो तो आप अपने स्तर को, ऑर्गेनाइजेशन को, स्तर को हमेशा बदल देते हो। सो हमेशा जब प्रॉब्लम आए तो अपॉर्चुनिटी देखना जरूरी होता है। जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं तो तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज कि आप उस प्रॉब्लम को कैसा रिफ्रेम करते हो। लेकिन आपके सामने प्रॉब्लम आया, समाज के सामने भी प्रॉब्लम आया, लेकिन समाज का बायस उसको लेकर के कॉम्प्लिकेशंस में चला गया, आपने क्या किया, उसको रीफ्रेम किया। यदि आप उसको सही तरीके से रीफ्रेम कर पाए और उसको सॉल्यूशन दे दे और उसको एडवेंचरस बना दे, तो आपकी जीवन की जो जर्नी होगी वो काफी आसान हो जाएगी और आपको जीने के लिए मजा भी आएगा, क्योंकि ये माइंड हमेशा वैरायटी चाहता है और जर्नी जब एडवेंचरस बन जाती है तो जीने योग्य बन जाती है। तीन चीजें मैंने आपके साथ शेयर की थी किसी प्रॉब्लम को फेस करते वक्त, उस प्रॉब्लम को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त। उसमें से पहली थी आपका रिएक्शन जब प्रॉब्लम और सिचुएशन आपके सामने आती है तो। दूसरी चीज मैं आपके साथ शेयर किया था, जब रिएक्शन ही दे रहे हो, जब प्रॉब्लम को फेस ही करना है तो क्यों ना उसमें अपॉर्चुनिटी भी उसके साथ ढूंढी जाए। तो आप किस प्रकार से आपके प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, और तीसरी चीज उसको रिफ्रेम करते हुए आपको एक एडवेंचरस जर्नी में उसको कन्वर्ट करना है, अपने आप को उस सिचुएशन में एक चैलेंज स्वीकारते हुए आगे बढ़ाना है। ये एक छोटा सा पार्ट या छोटा सा वर्किंग होगा, लेकिन जीवन को एक नया महत्व प्राप्त करके देगा।
आपने इस वीडियो को देखा, यदि इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और डेली नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन को हिट कीजिए। मैं दिलीप आउटी, टीम दिलीप आउटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।